अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग आपका फिजिक्स टीचर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर वन के क्वेश्चन नंबर 1.4, 1.5 एंड 1.6 को तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को जिसके लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1.4 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं क्वेश्चन फोर स्टेट्स दैट थ्री स्टूडेंट्स मई द लेंथ ऑफ अ नीडल विद अस्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज वन मिली मीटर एंड रिकॉर्डिड एज ज़ीरो पॉइंट टू वन फोर फाइव मीटर्स जीरो पॉइंट टू वन मीटर्स एंड जीरो पॉइंट टू वन फोर मीटर्स विच रिकॉर्ड इज़ क्रेक्ट एंड वाई स्टूडेंट्स जैसा कि हमने स्टेटमेंट को रीड किया और स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है देर आर थ्री स्टूडेंट्स जिन्होंने एक नीडल की लेंथ मैयर की है मैयर द लेंथ ऑफ अ नीडल बट उन्होंने जिस स्केल को यूज किया है नीडल की लेंथ को मैयर करने के लिए उस स्केल की मिनिमम रीडिंग है वन मिलीमीटर इट मीन दैट कि उस स्केल का लीस्ट काउंट प्रिसियन एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू है वन मिलीमीटर और उन तीनों स्टूडेंट्स ने नीडल की लेंथ मैयर की है फर्स्ट स्टूडेंट की रीडिंग है जीरो पॉइंट टू वन फोर फाइव मीटर सेकेंड स्टूडेंट की रीडिंग आई जीरो अब हमने बताना यह है इन तीनों रीडिंग्स में से कौन सी रीडिंग करेक्ट है और वो क्यों करेक्ट है तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन तीनों रीडिंग्स में से कौन सी रीडिंग एक्यूरेट है तो हम लिखेंगे द रिकॉर्ड जीरो पॉइंट टू वन फोर मीटर इज करेक्ट नाउ स्टूडेंट्स आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर थर्ड रीडिंग जो कि जीरो पॉइंट टू वन फोर मीटर है यही रीडिंग क्यों करेक्ट है नाउ अब हम रीजन डिस्कस करते हैं थर्ड रीडिंग क्यों करेक्ट है स्टूडेंट्स जैसा कि क्वेश्चन में मैंशनड है स्टूडेंट्स ने जो स्केल यूज किया है उस स्केल पे मिनिमम डिवीजन है वन मिलीमीटर तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले हम हेडिंग देंगे रीजन की नाउ स्टूडेंट्स हम लिखेंगे द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल विच इज यूज टू मैयर टू मैयर द लेंथ ऑफ द नीडल इज वन मिलीमीटर बट स्टूडेंट्स जो रीडिंग्स मैयर की गई हैं दीज रीडिंग्स आर मैंशंड इन मीटर्स तो अगर वन मिलीमीटर mm को हम मीटर में कन्वर्ट करें तो हम लिखेंगे जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मीटर नाउ स्टूडेंट्स अब हम मेंशन करेंगे कि हमारी स्टेटमेंट का मतलब क्या है इट मींस दैट वी कैन मयर लेंथ अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस स्टूडेंट्स इस लाइन का मतलब क्या है जैसे कि आप लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल जो कि मीटर में लिखा गया है आप देख सकते हैं देर आर थ्री वैल्यूज विच आर रिटर्न आफ्टर द डेसिमल इशारिया के बाद थ्री डिजिट तक लीस्ट काउंट लिखा गया है इट मीन्स दैट के इस स्केल की मदद से हम जो लेंथ मयर करेंगे उसकी वैल्यू भी अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आ सकती है तो हमने लिखा इट मीन्स दैट वी कैन मयर थ अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस एंड देयर इस कंसेप्ट के मुताबिक द रीडिंग जीरो पॉइंट टू वन फोर मीटर्स हैज थ्री डेसिमल प्लेसेस एंड हें इट इज करेक्ट तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन 1.4 का आंसर क्वेश्चन में मेंशन था कि तीन स्टूडेंट्स ने नीडल की लेंथ को मैयर किया है लेकिन जिस स्केल को यूज़ करते हुए उन्होंने नीडल की लेंथ मैयर की है उसका लीस्ट काउंट है वन मिलीमीटर mm. अगर हम इस लीस्ट काउंट को मीटर्स में कन्वर्ट करें तो हमारी वैल्यू आएगी ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो वन मीटर्स तो हमसे पूछा गया है कि तीनों स्टूडेंट्स की रीडिंग्स में से कौन सी रीडिंग करेक्ट है और क्यों है तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फर्स्ट रीडिंग में टोटल कितने डेसिमल प्लेसेस हैं फोर सेकेंड रीडिंग में टोटल कितने डेसिमल प्लेसेस हैं टू डेसिमल प्लेसेस मींस दैट इशारे के बाद कितने डिजिट्स लिखे गए हैं अगर थर्ड रीडिंग की बात की जाए देर आर थ्री डेसिमल प्लेसेस तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बताएंगे द थर्ड रीडिंग इज़ करेक्ट विच इज़ ज़ीरो पॉइंट टू वन फोर मीटर्स लेकिन रीज़न क्या है कि हमने थर्ड रीडिंग को क्यों करेक्ट कहा बिकॉज जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया है इट कैन मैयर द करेक्ट रीडिंग अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस जैसे कि हम उसका लीस्ट काउंट देख सकते हैं तो इसीलिए वही रीडिंग करेक्ट मानी जाएगी जिसकी वैल्यू थ्री डेसिमल प्लेसेस तक लिखी गई है और जो कि कौन सी वैल्यू है थर्ड वैल्यू नाउ स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन वन पॉइंट फाइव एंड इट स्टेट्स दैट एन ओल्ड सेइंग इज दैट कि एक पुरानी कहावत है जो क्या कहती है चेन इज ओनली एज स्ट्रोंग एज इट्स वीकेस्ट लिंक इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि जो चेन होती है वो उतनी ज्यादा स्ट्रोंग होगी जितना उसका वीकेस्ट लिंक स्ट्रोंग होगा मीन्स दैट स्टूडेंट्स आपने चेन देखी होगी डिफरेंट सेगमेंट्स को हमने ज्वाइंट किया होता है दिस इज द लिंक जो दोनों ज्वाइंट्स को मिलाता है स्टूडेंट्स जितना ज्यादा ये लिंक स्ट्रॉन्ग होगा ज्वाइंट स्ट्रोंग होगा उतनी ज्यादा चेन स्ट्रोंग होगी बिकॉज स्टूडेंट्स चेन की स्ट्रेंथ सारी की सारी इस लिंक पे डिपेंड कर रही है तो दैट्स वाई ये पुरानी कहावत है कि एक चेन उतनी ज्यादा स्ट्रोंग होगी जितना ज्यादा स्ट्रोंग उसका वीकेस्ट लिंक होगा नाउ वट एनालोग स्टेटमेंट कैन यू मेक रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज इन आ कंप्यूटेशन मीन्स दैट के स्टूडेंट्स अब हमने इसी से मिलती जुलती एक स्टेटमेंट बनानी है लेकिन उस स्टेटमेंट में हमने किस चीज़ का जिक्र करना है एक्सपेरिमेंटल डाटा का जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी किसी भी कैलकुलेशन में तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को के किस तरह से हम इस ऑल्ड से एक एनालोग स्टेटमेंट बनाएंगे किस मकसद के लिए अपने एक्सपेरिमेंटल डाटा के लिए जिसको हम किसी भी कंप्यूटेशन में यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स द एनालोग स्टेटमेंट इज पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं देन हम उसका मीनिंग देखेंगे द एनालोग स्टेटमेंट इज अ रिजल्ट ऑबटेन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंटल डाटा आ रिजल्ट Obtained from an experimental data used in a Computation is only as accurate as its least accurate reading. स्टूडेंट्स हमारी एनालोगस्ट स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है स्टूडेंट्स हमारी एनालोग स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है इसको इंटरप्रेट करते हैं आ रिजल्ट ऑबटेन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंटल डाटा यूजड इन कंप्यूटेशन मीन्स दैट कि किसी भी एक्सपेरिमेंटल डाटा में हासिल किए जाने वाला रिजल्ट जिसको हम कंप्यूटेशन या मेजरमेंट में इस्तेमाल करेंगे इज ओनली एज एक्यूरेट एज उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा एज इट्स लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग जितनी उसकी लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग एक्यूरेट होगी तो स्टूडेंट्स हमने ओल्ड सेइंग के किन वर्ड्स को चेंज किया है आप देख सकते हैं चेन की जगह हमने वर्ड को रिप्लेस किया है रिजल्ट के साथ देन स्ट्रोंग को रिप्लेस किया है एक्यूरेट के साथ एंड वीकेस्ट लिंक को रिप्लेस किया है लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग के साथ स्टूडेंट्स की मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पुरानी कहावत में मैंशनड है कि एक चेन उतनी ज्यादा स्ट्रोंग होगी जितना उसका वीकेस्ट लिंक ज्यादा स्ट्रांग होगा तो हमने इससे लोग स्टेटमेंट क्या बनाई कि किसी भी एक्सपेरिमेंटल डाटा में जो रिजल्ट आएगा वो उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा जितनी ज्यादा उसकी लीस्ट रीडिंग एक्यूरेट होगी नाउ स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन एंड इट स्टेट्स दैट द पीरियड मींस टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडोलम इज के एक सिंपल पेंडोलम के टाइम पीरियड को हमने एक स्टॉपवॉच से मैयर किया है व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड मींस दैट स्टूडेंट्स क्वेश्चन सिक्स हमें ये बता रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को हमने स्टॉप वॉच से मैयर किया है तो स्टॉप वॉच से मैयर करने के बाद उस टाइम पीरियड की रीडिंग में कितने एरर्स पॉसिबल हैं मीन्स कितनी किस्म के एरर्स आ सकते हैं तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन के आंसर को तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बताएंगे कि इस मयरमेंट में टोटल कितनी किस्म के एरर्स आ सकते हैं तो हम लिखेंगे टू टाइप्स ऑफ एरर आर पॉसिबल फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एरर एंड द सेकेंड वन इज पर्सनल एरर तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने बताया कि अगर एक सिंपल पेंडोलम के टाइम पीरियड को हम स्टॉप वॉच से मैयर करें तो रीडिंग में दो किस्म के एरर्स आने के चांसेस हैं सिस्टमेटिक एरर भी आ सकता है और पर्सनल एरर भी आ सकता है और दोनों एरर्स भी एक ही वक्त में रीडिंग में एग्जिस्ट कर सकते हैं नाउ स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सिस्टमेटिक एरर को और पर्सनल एरर को स्टूडेंट्स जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सिस्टमेटिक एरर को डिस्कस कर चुके हैं तो सिस्टमेटिक एरर क्या होता है स्टूडेंट्स इट इज़ ड्यू टू फॉल्ट इन दयरिंग इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट्स अगर इसी क्वेश्चन की बात की जाए मे भी हम जो स्टॉप वॉच यूज कर रहे हैं वो ही खराब है उसमें जीरो एरर मौजूद है तो स्टूडेंट्स उस स्टॉप वॉच से मैयर किए जाने वाला टाइम पीरियड कोरेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें जीरो एरर मौजूद है नाउ स्टूडेंट्स अगर रीडिंग में सिस्टमेटिक एरर मौजूद है तो हम उसको करेक्ट कैसे करेंगे इट कैन बी करेक्टेड बाय अप्लाइंग कोरेक्शन फैक्टर और जीरो करेक्शन स्टूडेंट्स सिस्टमेटिक एरर के बाद अगर पर्सनल एरर को हम डिस्कस करें इट इज ड्यू टू ह्यूमन रिएक्शन टाइम टू स्टार्ट और स्टॉप द स्टॉप वॉच स्टूडेंट्स जैसे कि अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल कंसिडर करें फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्टॉप वॉच पकड़ाता हूं और मैं कहता हूं कि जैसे ही मैं पेंडुलम को अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज करूंगा तो आपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है और जैसे ही पेंडुलम एक वाइब्रेशन के बाद दोबारा फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आएगा तो आपने स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है तो स्टूडेंट्स देर आर द चांसेस कि स्टॉप वॉच को स्टार्ट और स्टॉप करने में थोड़ा सा टाइम लैग आ जाए मींस मे भी आप स्टॉप वॉच को थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर दें और मे भी आप स्टॉप वॉच को थोड़ा सा जल्दी या फिर थोड़ा सा देर से स्टॉप करें जिसकी वजह से आपका टाइम पीरियड करेक्ट मैयर नहीं होगा तो स्टूडेंट्स ये था पर्सनल एरर जो कि ह्यूमन रिएक्शन टाइम की वजह से आ सकता है और स्टूडेंट्स इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे इट कैन बी करेक्टेड बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम्स एंड देन टेक एन एवरेज तो स्टूडेंट्स पर्सनल एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम अपने एक्सपेरिमेंट को टू थ्री फोर टाइम्स रिपीट करेंगे और देन फाइनली हम टाइम पीरियड्स की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन वन पॉइंट सिक्स का आंसर जी स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज के तीनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में Allah Hafiz